और हम लोग अबरी आर या पार की लड़ाई है, हम लोग अबरी नहीं हटेंगे। इसके लिए सरकार हम लोग के हटा दे। 15,000 रुपया तो मंत्री जी अपना दाई नौकर को देते होंगे। सब जिले से आए हुए हैं, सबका एक ही है मांग, नियमितीकरण, और ये हम लोग लेके ही रहेंगे। तो हम लोग अब आर या पार के लिए लड़ाई के लिए बैठ गए। इस तरह की मांग को लेकर अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल और राजभवन के समक्ष अनशन जारी है। मंगलवार को शाम में अनशनकारियों को सूचना मिली कि बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अनशन स्थल पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन नहीं, मंत्री जी नहीं पहुंचे। अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों ने कहा कि काफी दुख की बात है कि न तो मंत्री नहीं विभाग का कोई अधिकारी अनशन स्थल पर पहुंचे। वहीं रात में धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। धरना प्रदर्शन कर रहे महिलाओं का कहना है कि रात में कोई आता है और हम लोग उठते हैं तो भाग जाता है। सरकार को कम से कम सुरक्षा व्यवस्था भी कर आना चाहिए था। हम लोग यहाँ से महिलाएं ही हैं, रात में रहने में बहुत दिक्कत होता है। क्या करेंगे, हम लोग अपने व्यवस्था में व्यस्त हैं, अपने में हम लोग रहते हैं, किसी को कुछ नहीं, हम लोग ही करते हैं। हाँ, रात में तो बहुत ही कठिनाई रात में हुआ। आज क्या हुआ था जो ये आदमी का, ये आदमी जो आया उसको हम पूछे कि भैया तुम इस विभाग में है तो आइए बैठिए, तो बोला नहीं हम देखने आए हैं। हम लोग अपना बैठे हैं सुरक्षित के लिए, अपना तो हम एक नहीं बैठल रहेंगे, होना तो है ये है, उनको तो झुकना है ये है। जब इतना दिन बैठ गए, नौकरी जाए आ चाहे रहे, हमको तो रहना है। इसलिए कि आज 15 साल हो गया मेरा, 16 साल होने जा रहा है। 15,000 रुपया देते हैं, 15,000 रुपया में हम लोग के 24 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। हम लोग के न बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं, न खिला सकते हैं, न पिला सकते हैं, कुछ भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। अपना जिंदगी भी दान दे दिए हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं। 15,000 रुपया में क्या होगा, 15,000 रुपया तो मंत्री जी अपना दाई नौकर को देते होंगे, चाहे वो अपने जूता पहनते होंगे। वो हम एक महीना में खट कर न हम बच्चा को सही ढंग से पढ़ा पाते हैं और न हम सही ढंग से कुछ कर पाते हैं। अपना हम भूखे प्यासे एरिया कूदते हैं, कुछ भी काम होता है एरिया कूदते हैं। 24 घंटा हम लोग से ड्यूटी लिया जाता है, इसीलिए हम लोग अब अंत हो गया। बोले थे कि 3 महीना में हम लोग परमानेंट कर देंगे, 3 साल तक समय लिए, 3 साल समय दिए, फिर भी हम लोग के नहीं सुनवाई दिए। तो हम लोग अब आर या पार के लिए लड़ाई के लिए बैठ गए। ऐसा तो नहीं है, बहुत जगह काम तो ठप है, डॉक्टर से काम नहीं चल रहा है, बहुत जगह काम ठप है। वकील सरकार सोच रही है कि ये लोग भाग जाएगा, वो सोच रहे हैं कि अब भाग जाएगा, अब भाग जाएगा। आके सचिव जी ने एक दिन आकर अनशन तोड़वाए, तो खैर अनशन तोड़ना जरूरी था। मेरा भाई और बहन का समय ही हो रहा था, एक लड़की दिल्ली चल गई रिम्स में, उसका बहुत हालत खराब था। सब लड़की हॉस्पिटल में अपना अपना घर में भर्ती है, इसलिए हम लोग अनशन तोड़े और हड़ताल जारी है। अभी नहीं, और हम लोग अबरी आर या पार की लड़ाई है, हम लोग अबरी नहीं हटेंगे। इसके लिए सरकार हम लोग के हटा दे। 8,000 कर्मचारी हैं, 8,000 के हटा देगा तो सोचेगा, हम लोग आखिर हटेंगे नहीं। कुछ सामने तो आया है, कुछ सरकार ने पहल की है हमारे साथ में, और सरकार का रवैया हमारे साथ है। हाँ, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कोई लड़ाई किसी से दुश्मनी की लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार इसको सुनेगी, ज़रूर सुनेगी। हम लोग 17 तारीख से हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके बाद 24 तारीख से हमारा आमरण अनशन जारी हुआ था, जो 24वें दिन जाके टूटा। अनशन तोड़ना भी मजबूरी थी, क्योंकि अनशनकारियों का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। तो हमारे संयुक्त सचिव आए तो उनका सम्मान करते हुए हम लोगों ने हमारा अनशन को समाप्त किया। लेकिन उस दिन जो वार्ता हुई उसमें कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला, जिस कारण हम लोगों को हड़ताल जारी रखना पड़ा। और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती, जब तक सरकार की कोई सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। सब जिले से आए हुए हैं, सबका एक ही है मांग, नियमितीकरण, और ये हम लोग लेके ही रहेंगे। जब तक हमारा सरकार हम लोगों का बात जब तक नहीं सुनेगा, जब तक लिखित पहल नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा, तब तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आगे जैसे बताया जाएगा वैसे करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का कंटिन्यू ये हड़ताल चलेगा। हम लोग एक ही चाहते हैं कि नियमितकरण होना चाहिए। हम लोग 16 साल से जॉब कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हम लोग को निर्णय लिए सरकार, इसलिए हम लोग एक ही मांग है, नियमितकरण होना चाहिए।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।